खूबसूरत वादियां, बम बम भोले का नाद और जहां झीलों पर हिलोरे लेती है कश्तियां, जहां के पश्मीना शॉल कानी और सोजनी कला, जहां का मेवा और जहां पे रंगत केशर की, खूबसूरत वादियां और स्वर्ग की आभा लिए हुए कश्मीर। तभी तो कहा जाता है गर फिरदौस बर रूहे ज़मीं अस्त, हमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। धरती पे इस स्वर्ग और हिंदुस्तान के तो आज जम्मू और कश्मीर से आज बात। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जहां पहरी आर्ट फल फूल रहा था, वहीं एक कला और रंगड़ाई ले रही थी। इसे कहा जाता था बसोली आर्ट। बसोली कठुआ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से बसोली गांव के पास फलता फलता एक आर्ट था। वैसे तो यह हिस्सा पहरी पेंटिंग्स का ही है, लेकिन सन 1635 में राजा भूपत पाल ने इसे अपनी पनाह में लिया और रावी नदी के किनारे कठुआ में बसे बसखोली गांव को इसका अपना गढ़ मिल गया और इसने जोड़ा अपने आप को साहित्य से। साहित्य में जो महानता शब्दों की थी, उसने इसे जामा पहना दिया रंगों का। बसखोली के अंदर जो फैशन सेट पैटर्न होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और राधा और कृष्ण के बने गीत गोविंद को इसने सच में एक आकार दे दिया। रसमंजरी इसका दूसरा उदाहरण है। बसोली पेंटिंग्स में भी बहुत बारीकी से काम किया जाता है, रंगत वही चटकीली होती है। तो वैसे जम्मू और कश्मीर में मुगल कला, राजपूत पेंटिंग्स, पहरी आर्ट और जैसे मैंने अभी आपको कहा बसोली पेंटिंग्स, इन सभी की छाप आपको कहीं ना कहीं मिलेगी और बेहद खूबसूरत कश्मीर में आपको प्रकृति के साथ में रंगों का समायोजन भी। तो अगली बार कश्मीर की वादियों में खोने के साथ साथ में अपने साथ में वहां के रंगों को भी समेट के लाइएगा और मुझसे मुलाकात कीजिएगा अगले शनिवार। आर्ट इज प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट।